हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं दिनेश शर्मा। आज आपको एक नए टॉपिक पे बताऊंगा कि ये श्रृंखला सरल भाषा में ज्योतिष सीखें और आम जनता के लिए है, आम पब्लिक के लिए है, कि चंडाल योग क्या होता है। आपने बहुत सुना होगा, और जहाँ पे भी गुरु सॉरी राहु का नाम आ जाता है, तो वैसे ही बहुत सारी राहु के बारे में जो हमने सुन रखा है, भ्रांतियाँ है और एक प्रकार से डर है। क्योंकि ज्योतिष में एक ऐसी चीज बताई गई है कि आपके जब कैरियर में कोई प्रॉब्लम आती है या आपके जीवन में कुछ घटना घटित होती है, तो उसके साथ एक बात जुड़ी होती है, कोई नेगेटिविटी जुड़ी रहती है। तो कोई भी जब नेगेटिव बात होती है तो डर होता है, वो डर बाद में बहुत हवा हो जाता है, वो एक अलग मैटर है। निश्चित रूप से कोई भी व्यक्ति, जमा जमाया व्यक्ति हो, उसका बड़ा कारोबार हो, और कोई कठिन समय आता है, तो कठिनाई में जब उसको बुद्धि तो चलती नहीं है, तो उसको जो बताता है उसको मानता है वो बात। तो आगे चलते हैं कि जब इस प्रकार का कोई योग बनता है तो आपको यह बात ध्यान में रखना पड़ेगा कि किसी व्यक्ति के गुरु राहु एक साथ है तो गुरु चंडाल योग हो गया। केतु के बारे में भी कहा जाता है कि केतु साथ में है तो केतु चंडाल योग। मैं भी नहीं मानता था, लेकिन मैंने उसके लिए स्टडी करी और एक किताब में मेरे को मिल गया वो श्लोक लिखा हुआ वहां पे, तो मैं मानने लगा हूं कि केतु के साथ भी चंडाल योग है, लेकिन उसका विकल्प है। ठीक है, अब देखिए, राहु एक राशि में 18 माह रहता है, ठीक है, और गुरु रहता 12 माह। इसका मतलब गुरु और राहु यदि 12 महीने रह गए एक राशि में, तो कितने सारे लोग ऐसे पैदा हुए होंगे जिनकी कुंडली में चंडाल योग हुआ होगा। ठीक है, तो क्या सारे हम ऐसे, तो हमारे यहाँ चंडाल ही चंडाल निकलेंगे, बहुत सारे चंडाल हो जाएंगे? नहीं, कोई चंडाल नहीं होगा। क्या होगा, मैं सटीक बताता हूँ आपको। आप ये जान लीजिए, गुरु राहु का चंडाल योग जैसे आता है, सबसे पहले आपको गुरु का कारकत्व जानना चाहिए। गुरु के कारकत्व क्या है? गुरु का मतलब धर्म से है सीधे, ठीक है, और भी बहुत से कारकत्व, तो प्राथमिक रूप से बताए गुरु का कारकत्व धर्म से है, धर्म कर्म से है, ईमानदारी से है, नैतिकता सत्य से है, पुत्र से है। ठीक है, राहु का जो कारकत्व है वो बहुत ही नेगेटिव है, ये आप बहुत अच्छे से जानते हो। पृथक्तावादी ग्रह राहु भी है, ऐसे बहुत बुरा बुरा राहु का लिखा है, ये आप बहुत अच्छे से मालूम है आप लोगों को। अब वो सारी चीजें मैं यहां बताऊंगा गुरु राहु का कारकत्व, तो फिर गुरु चंडाल योग नहीं बता पाऊंगा। ठीक है, आगे चलते हैं। ये जो मैं बताऊंगा आपको उदाहरण, आगे वो विचार आपकी लग्न कुंडली से होगा। ठीक, सर्वार्थ चिंतामणि एक वेंकटेश की किताब है, वेंकटेश जी ने लिखा है, बहुत अच्छी किताब है, बहुत जोरदार है, नामी है। उसमें एक सूत्र है, यदि गुरु की युति केतु या राहु के साथ हो तथा उस युति पर पाप ग्रहों की दृष्टि हो, अथवा कुंडली में गुरु नीच राशि नवांश में हो, तो जातक द्विज कुल में जन्म लेने पर भी चंडाल के समान आचार विचार होता वाला होता है। समझ लीजिए पहले, यदि गुरु की युति केतु राहु के साथ हो, मान लिए चलो भाई गुरु राहु केतु के साथ कहीं पे भी किसी लग्न में किसी स्थान पे हो, उस पर युति पर पाप ग्रहों की दृष्टि हो सकता है आपकी कुंडली में गुरु राहु का चंडाल योग है, लेकिन किसी भी प्रकार से पाप की दृष्टि नहीं पड़ रही है, 10वें स्थान पे गुरु राहु का चंडाल योग है, आपको कुछ नहीं होगा। इस तरीके से बिना पाप ग्रहों की दृष्टि से काम नहीं करेगा, ये बात श्लोक में आई है। वो भी और आगे और क्या लिखा है, गुरु नीच राशि नवांश में हो, मतलब 16 कुंडली मैंने जब आपको बताया था, तो किसी भी जातक की 16 कुंडली बनती लग्न कुंडली सहित, D1 चार्ट डिविजनल वंश, लेकिन D16 चार्ट D16, ठीक है, 16 कुंडलियां होती है। नवमांश कुंडली मतलब होता एक राशि 30 डिग्री की होती है, उसको 9 भागों में बांट कर दी तो नवमांश कुंडली हो जाती है। वो आप D16 का चार्ट में जब आपको बताऊंगा तब बताऊंगा। तो नवमांश कुंडली में भी वो नीच नवांश में हो, और तो दो जातक द्विज कुल में जन्मने में चंडाल के समान आचार विचार होगा, इसका मतलब यह होगा कि उसका धर्म कर्म में भी जो विश्वास है वो कम हो जाएगा। मैं अपने अनुभव से बताता हूँ कि कई ऐसे मैंने गुरु चंडाल योग की कुंडली देखे जो प्रथम श्रेणी अधिकारी हैं, द्वितीय श्रेणी अधिकारी है, एक महिला अधिकारी की कुंडली में देखा, तो वो उच्च जाति से होकर भी वो शराब का सेवन करती थी और मांस का भी सेवन करती थी, मतलब नॉन वेजिटेरियन थी। ठीक है, इस प्रकार से होगा, ऐसा थोड़ी होगा उसकी जिंदगी भर हो जाएगी, प्रथम श्रेणी अधिकारी थी। आगे इसी प्रकार की बातें लिखी है जातक पारिजात में कि किसी कुंडली में रेखा योग होता है, दारिद्र योग, प्रेस योग, केमद्रम योग, तो उसके जीवन में भी बहुत सारे संकट आते हैं, मानव जीवन अकारत व्यर्थ हो जाए, जातक भंग कहलाते हैं। किसी के जीवन में आपने देखा कोई आदमी तरक्की नहीं कर पाता, इतनी मेहनत करता सिलेक्शन ही नहीं हुआ, बोले यार कहीं, और पता लगा उसने उस व्यक्ति ने जिसको पढ़ाया उसका सिलेक्शन हो गया, ऐसे सुना हो ना आपने? तो ये इस प्रकार की जब ऐसी बातें आती तो रेखा योग, दारिद्र योग, प्रेस योग, केमुद्र योग कहलाते हैं।
इसका तोड़ भी बताया है। आगे चलते हैं इस सर्वार्थ चिंतन में। यदि केतु या राहु तथा शनि इससे युद्ध गुरु पर शुक्र बुध की दृष्टि हो तो शूद्र कुल में जन्म लेकर वह जातक ब्राह्मण के समान विद्या पढ़कर विद्वान हो जाता है। यदि केतु या राहु तथा शनि इससे युक्त गुरु पर, कहीं पे भी केतु हो या राहु हो, ठीक है, केतु और राहु तो एक साथ नहीं होता, राहु और शनि हो, ठीक, या शनि और केतु हो, और इनसे युद्ध पर गुरु पर, गुरु पर मतलब राहु शनि और कहीं गुरु बैठा, और इस पर शुक्र या बुध की दृष्टि हो तो शूद्र कुल में जन्म लेकर भी वह जातक ब्राह्मण के समान विद्या पढ़कर विद्वान हो जाता है। ये चंडाल योग का निष्प्रभावी योग भी है। स्पष्ट है गुरु के ऊपर बुध की शुक्र की दृष्टि ऐसी शुभ है। इसका मतलब ये होता है कि गुरु के ऊपर बुध और शुक्र की दृष्टि बड़ी अच्छी होती है। ये एक सूत्र है। राहु से युक्त व्यक्ति बृहस्पति यदि राहु से युक्त बृहस्पति यदि पाप ग्रहों से देखा जाता हो अथवा बृहस्पति यदि नीच नवांश में हो तो जातक चंडाल कहलाता है। ये बात जातक तत्व में भी कही गई है। अभी तक मैंने आपको सर्वार्थ चिंतामणि की बात बताई, जातक तत्व में लिखा राहु से युक्त बृहस्पति। अब यहाँ केतु नहीं है भाई, ठीक, राहु से युक्त बृहस्पति यदि पाप ग्रहों से देखा जाता हो अथवा बृहस्पति नीच नवांश में तो जातक। आप ये बात जान लो, सिर्फ प्लेन गुरु राहु से कुछ नहीं होगा जब तक कि पाप ग्रहों से ना देखा जाए या वो नीच नवांश में ना हो, ठीक। इसके बाद शंभु होरा प्रकाश में लिखा है, केंद्र में शुक्र बुध चंद्रमा एक ही राशि हो और लग्न राहु युक्त हो तो जाता अपने धर्म कर्म से हीन और चंडाल हो जाता। कुल मिला के बात यह हो रही है कि गुरु का जो कारकत्व है कि गुरु चंडाल योग में सबसे पहले तो उस व्यक्ति की धर्म की हानि हो जाएगी, लेकिन रोजी रोजगार तो बचा रहेगा। अब धर्म ही गया तो क्या कर लेगा भाई, हो जाए थोड़ी बहुत हानि। इस तरीके से योग विचार में काटवे जी की किताब से भी मैंने कुछ सीखा और जाना कि भाई इतना डर है राहु केतु के नाम पे, गुरु के नाम पे। उनने भी बताया कि भाई ऐसा कोई बात होगी गुरु राहु की कहीं युति होगी तो वो कहता है कि संतति का नाश होगा। देखो गुरु गुरु के कारक तो मैंने बताया था, गुरु पुत्र का भी कारक है, पांचवें स्थान का भी कारक तो और लिए हुए है गुरु, तो क्या होगा भाई, तो गुरु पुत्र की पुत्र में संतति नाश, मतलब संतान को भी हानि हो सकती है। संतति की चिंता रात दिन बनी रहती है या योग पूर्व साप बाधित रहता है। इसी की प्रतीति यह है कि स्वप्ने पूर्व जाते हैं, दुनिया की बात लिखी है। इसका उपाय भी बता दिए उनने, नाग बलि नारायण बलि। ये इस पे मैं थोड़ा सा भी स्टडी कर रहा हूँ कि नाग बलि नारायण बलि क्या होता है, लेकिन ये जिस पुराण में उसकी मैंने स्टडी कर लिया है और मेरे गुरु ने भी बताया कि नाग बलि नारायण बलि होती है, तो इसकी भी हम बाद में चर्चा करेंगे। ये नाग बलि नारायण बलि अपने पुरखों की पूजा है, जो ससुराद होता है ना उसी प्रकार की श्रेष्ठ उत्तम प्रकार की पूजा है। इसमें किसी को डर को इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए। हमारे पुरखों की पूजा उत्तम पूजा होती है, बहुत बढ़िया पूजा है और ये पूजा कराई जा सकती है। आगे चलते हैं। चंडाल योग इस तरीके का होता है, राहु और गुरु एक साथ कहीं आपको बैठे मिलेंगे, वो कहीं पे भी बैठे किसी भी स्थान पे है ना। और केतु, अब गुरु के साथ केतु भी, श्लोक तो बता ही दिया मैंने आपको, केतु भी बैठ जाए तो कह देते चंडाल, कोई दिक्कत नहीं, धर्म की थोड़ी सी हानि होगी लेकिन रोजी रोजगार बचा रहेगा, सब ठीक होगी, बच्चे भी होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं। एक अभी सूत्र हमने एक तो बताया था आपको कि भाई राहु यदि लग्न में हो, ठीक है, राहु लग्न में हो और बुध चंद्र शुक्र ऐसी स्थिति एक ही राशि में हो तो वैसे हालात में भी जो है व्यक्ति जो है धर्म कर्म से हीन हो जाता है। उद्देश्य है धर्म कर्म से हीन होना, मतलब गुरु राहु के चंडाल योग में धर्म में कमी आएगी। वो व्यक्ति अधार्मिक तो नहीं, लेकिन हो सकता है धर्म में रुचि ना ले बहुत ज्यादा। तो पूरी 12 लग्नों की कुंडली में हम थोड़ा सा समझते हैं। देखिए चंडाल योग किसी की भी कुंडली में हो, गुरु के साथ केतु हो या गुरु के साथ राहु हो, तो आपको ये सारी चीज जो मैंने बताया था पहले कि दृष्टि तो देखनी पड़ेगी, बहुत नेगेटिव दृष्टि आ रही है किसी की तो वो फलित होगा, अदरवाइज फलित नहीं होगा। इन सब के साथ हमको ये भी देखना चाहिए कि चलो मान के चलो गुरु और राहु या गुरु केतु बैठे ही है साथ में, आगे हमको क्या क्या देखना। उक्त योग की जिक्र किस ग्रंथ में आया, तो मैंने आपको बताया कि मैंने आपको अभी दो तीन ग्रंथ बताया, जातक तत्व में आया है, सर्वार्थ चिंतामणि में आया है, और काटवे जी नागपुर के प्रसिद्ध विद्वान हैं, उनकी किताब में भी ये बात मैंने देखा है। मैंने और स्टडी किया हूँ और भी, मैंने फलदीपिका और भी ग्रंथों में देखा है कि गुरु यदि 12वें स्थान में, राहु यदि 12वें स्थान पर चले जाता कोई भी स्थान पे पहले से लेकर 12वें, तो क्या फलित होगा, उस पर भी मैंने स्टडी किया है, ठीक है। तो कहीं अच्छा है तो कहीं बुरा वो रिजल्ट बता रहे हैं,
राहु के बारे में बहुत सारी चीजें स्पेशल किताबों में लिखी हुई, ये खास बात है। तो हमने ये जाना कि कहाँ कहाँ है। एक राहु एक राशि में 18 वर्ष तक रहता है, एक राशि में नहीं, एक मतलब पूरे चक्कर काटने में, तो 18 माह वो चलता है, ठीक है, 18 माह चलता है। ये जो 18 वर्ष लिखा उसको आप थोड़ा सुधार लेना, मैं सुधार ही देता हूँ यार, नहीं तो फिर आप बोलोगे गड़बड़ हो गया महाराज। ये लो ये ठीक 18 माह होता है। चलो आगे बढ़ जाते हैं अपन इसको, पावर पॉइंट का मुझे बनता है इससे बड़ा फायदा हो जाता पढ़ाने में। गुरु एक राशि में लगभग 12 माह रहता है, ठीक है, और ये राहु रहता है 18 माह। तो भैया ऐसे बहुत सारे जन्म होंगे यार, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, चंडाले चंडाल होंगे, नहीं हो जाएंगे ना भारत में, गुरु और दुनिया में भी चंडाल हो जाएंगे। गुरु के कारकत्व एवं गुरु का स्थिर कारक भाव, इसका हमको मंथन करना चाहिए। राहु के कारकत्व भी देखना चाहिए। राहु केतु के बारे में पराशर मुनि ने कहा है, जहां बैठे वहीं का या उक्त राशि स्थान का फल देंगे। इसका भी ध्यान देना चाहिए कि भैया गुरु हो सकते 10वें स्थान में बैठे होंगे तो थोड़ा सा 10वें स्थान की हानि होगी, यदि वो 5वें स्थान में होंगे तो 5वें पुत्र का स्थान है तो वहां की हानि होगी, लग्न में बैठे होंगे तो शरीर को हानि होगी, बीमारी होगी, ऐसे अलग अलग हो सकता है। राहु केतु के बारे में, सॉरी, उक्त राहु गुरु पर शुभ या अशुभ दृष्टि का विचार करना पड़ेगा। यदि हो सकता है कि राहु और गुरु एक साथ बैठे हैं, गुरु चंडाल योग भी बना रहे हैं, पता लगा कि शुभ दृष्टि पड़ रही है किसी ग्रह की, तो त्रिकोण इसकी शुभ दृष्टि पड़ रही है, पंचमेश की शुभ दृष्टि पड़ रही, तो वो योग भंग हो जाएगा। गुरु का मेष से मीन आदि लग्न तक शुभ एवं राजयोग कारक भाव तथा मारक केंद्रपति दोष, तो गुरु नवांश, गुरु का बल, अस्त वक्री बल ग्रही आदि सब देखना होगा। तो बहुत सारी चीजें हमको सिद्धांत को देखना पड़ेगा, तभी हम निर्णय पे आएंगे कि भैया गुरु का राहु ये चंडाल हो गया है। गुरु राहु की विष घटी भी देखना पड़ेगा कि हो सकता है राहु या गुरु का मृत्यु भाग में तो नहीं है, या नीच अंश में तो नहीं है वो, ठीक है। जातक की गुरु या राहु की मादशा आदि पर विचार करेंगे। देखिए आपकी कुंडली में गुरु राहु तो है भैया, लेकिन आपको गुरु की महादशा ही नहीं मिली, चलो ठीक, गुरु की महादशा नहीं मिली या राहु की महादशा नहीं मिली, या चूंकि ये इतने बड़े ग्रह हैं, गुरु मैंने बताया कि राहु 18 वर्ष चलता है 18, सॉरी, राहु की महादशा 18 वर्ष की रहती है, वैसे ही गुरु की महादशा भी बहुत बड़ी रहती है, चूंकि दोनों ग्रहों की बहुत बड़ी दशाएं हैं और दोनों बहुत बड़े ग्रह हैं, तो गुरु और राहु की अंतरदशा भी बहुत बड़ी बड़ी रहती है, दो 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 2.5 साल तक की रहती है। इसका मतलब ये होगा कि यदि बुरे होंगे तो इतने ही समय हमको कष्ट देंगे, ठीक है। अब गुरु की महादशा चली 10 वर्ष, जितने भी चली लंबी चलती, 17 16 17 वर्ष की, राहु की 18 वर्ष की चलती है महादशा, तो पूरी राहु की दशा चलेगी या गुरु की दशा चलेगी तो आपको पूरा समय पूरा नेगेटिव नहीं होने वाला है। ये सारे फैक्टर काम करते होंगे, इतने सारे बिंदु यदि नेगेटिव जाएंगे तब आपको सिर्फ राहु की अंतरदशा में गुरु, या गुरु की राहु अंतरदशा में राहु में ये फलित होगा, और थोड़ा सा जो नुकसान होना वो होगा। बाकी हो सकता है कि ये सब होने के बाद भी अष्टक वर्ग में बहुत अच्छे बिंदु मिल जाए जहाँ गुरु बैठा हो सकता है गुरु राहु जहाँ बैठे हैं वहां पे अच्छे बिंदु बढ़ गए हो, तो हो सकता है कि बुरे योग में कुछ कमी आ जाए। ये सारे फैक्टर हमको यहाँ अप्लाई करना पड़ेगा, तब हम डिसीजन पे जाएंगे कि मेरी राशि में गुरु राहु है और मेरे को नेगेटिव देगा। ऐसा सिर्फ एक झटके में किसी के बारे में बुरा बोल देना और उसके मनोबल को तोड़ देना, तो ऐसे में तो जो उस व्यक्ति का क्या नुकसान होगा, पूरी ज्योतिष का नुकसान होगा। इसी कारण लोग ज्योतिषी को बहुत गालियां भी देते हैं और लुटेरे भी बोलते हैं, लेकिन ज्योतिष एक ब्रह्म विद्या है, बहुत पवित्र विद्या है, जो अध्यात्म से जुड़ी विद्या है। अभी तो मैं ज्योतिष और अध्यात्म किताब पढ़ रहा था, उसमें बताया कि भाई देखिए ज्योतिष में, जब सर्वाष्टक में एक विद्वान बता रहा था, सर्वाष्टक में जितने बिंदु पड़े, मतलब प्रथम भाव में कितने बिंदु मिले, द्वितीय भाव में कितने बिंदु मिले या रेखा मिले, वो कहा जा रहा है कि आपके किस जन्म में कितने कर्म अच्छे थे उसी हिसाब से बिंदु यहाँ मिलते हैं यहाँ पे, है ना। तो पूरा अध्यात्म से जुड़ी विद्या है और हर जगह पूरा अध्यात्म ज्योतिष में, तो आपके कर्मों का ही फल है ज्योतिष, बाकी कुछ नहीं है, वही लिखा रहता कुंडलियों में। तो देखिए लग्न कुंडली में किसी जातक की इस तरह की दशाएं चल रही है, और मान के चलिए कि मेष राशि में उसका गुरु यहाँ पे बैठा हो, ठीक है, मेष राशि में इस तरीके से कहीं पे भी बैठा हो, तो वो सारे सिद्धांत आपको अप्लाई करना पड़ेगा। लग्न में बैठा तो लग्न में कष्ट देगा, दूसरे स्थान में तो धन की कमी होगी, पारिवारिक कुटुंब में कुछ होगा, ये भाई का स्थान है तो यहाँ भाई को प्रॉब्लम हो जाएगी, यहाँ सुखों में कमी हो जाएगी, चौथे में पुत्र संतान को, है ना, और ये छठवा स्थान है तो यहाँ पे ऋणग्रस्त, रोग, बीमारी, दुश्मनी, ये पत्नी का स्थान है, यहाँ कमी हो जाएगी, और यहाँ पे ये थोड़ा सा ज्यादा ही कष्ट है, मारक स्थान है, मृत्यु भाव है, और ये धर्म में कमी हो जाएगी यहाँ पे, और यहाँ पे नौकरी जॉब में परेशानी होगी, यहाँ लाभ की कमी होगी, और ये रोग, बीमारी, जेल वेल,
और नेगेटिव स्थान, इस तरीके से चीजें होंगी। तो आपकी कुंडली में कहीं पे भी जाए वो, चाहे वृषभ लग्न की कुंडली में ऐसे कहीं 12 स्थान पे हो सकता है ये योग। देखिए मैंने यहाँ पे गुरु के साथ राहु भी है, दोनों ग्रह एक साथ है ना, तो ये मिथुन लग्न की कुंडली में इस तरीके से 12 स्थान पे कहीं पे भी बैठ सकता है। कर्क लग्न की, सॉरी हाँ, कर्क लग्न की कुंडली में 12 स्थान पे ऐसे कहीं पे भी बैठ सकता है। और इस तरीके से सिंह लग्न की कुंडली भी होगी तो ये कहीं पे भी बैठ सकता होगा। तो मैंने जो आपको सिद्धांत बताए उन सबका आपको पालना करना पड़ेगा, ठीक है। हो सकता है कि कन्या लग्न की ये कुंडली है और गुरु यहाँ पे बैठा, 7वें स्थान पे बैठा, तो पत्नी का जो भाव है, पत्नी को लेके परेशानी हो सकती है, आपके व्यापार में जो साझेदार है उससे कोई विवाद हो सकता है। इस तरीके से भाव के अनुसार ही रिजल्ट है। ये तुला लग्न की कुंडली है, वृश्चिक लग्न की कुंडली में इस तरीके से कहीं पे भी हो सकता है। उसको कहेंगे अपन गुरु राहु का चंडाल योग। और उसके साथ आजकल मैंने आपको बताया कि केतु भी जुड़ा है, तो कोई दिक्कत नहीं, केतु भी जुड़ा होगा तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है। ये कुंभ लग्न हो गई और मीन लग्न हो गई, इस तरीके की ये फलित हो सकते हैं। तो इस तरीके के मैंने आपको बता दिया हूँ। फ्रेंड्स, मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा? यदि अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, मेरा दक्षिणा दे दीजिए, मतलब चैनल को सब्सक्राइब करके। इससे ज़्यादा मेरा कोई दक्षिणा है नहीं। थैंक यू, हरे कृष्णा।